सभी आदरणीय गेस्ट भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। साथियों, सबसे पहले मैं जो हमारे साथी हरदीप गिल जी के पिताजी का देहांत हुआ, मैं उनको अपनी तरफ से और सभी गेस्ट भाई और बहनों की तरफ से जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से विनती करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और भाई हरदीप सिंह और उसके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। साथियों, जीवन है तो मृत्यु भी है। इस तरह हमारा जीवन एक ट्रेन की तरह, गाड़ी की तरह है और यहाँ पर जहाँ जहाँ पर जिस व्यक्ति का स्टेशन आता जाता है वह व्यक्ति वहाँ पर उतर जाता है और यह यात्रा जो है जीवन की इसी तरह चलती रहती है। और दूसरा साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो ग्रेजुएटी और सर्विस रोल की फाइल्स है, और कल मैं चंडीगढ़ गया था सेक्रेटरीट में, हमारी फाइल 19 तारीख को जो असिस्टेंट 4 के पास एफडी में है, आज भी वो फाइल जो है वहीं पर है, जिसका नंबर 4607 है। आप उस फाइल को सर्च करेंगे ग्रेजुएटी सर्विस रोल की, तो वो फाइल आज भी वहीं पर शो करेगी। और असिस्टेंट 4 जो है उसके वहाँ पर जो पोस्ट है वो अभी वैकेंट है, क्योंकि असिस्टेंट 4 की जो सीट पर था वो पीछे एक्सपायर हो चुका था, तो अभी तक फाइल हमारी उसी टेबल पर है। और मैंने सेक्रेटरीट में जो वहाँ की अब सुप्रिटेंडेंट है, पहले कमलेश रानी थी लेकिन अब जो है अर्चना मैडम है, और उनसे भी बातचीत की फाइल के बारे में, और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि शायद अगले हफ्ते ये फाइल एफडी से जो है निकल जाए। लेकिन साथियों, उस दिन साथियों की मीटिंग हुई थी और साथियों ने बताया था कि कुलर साहब ने है फाइल जो है वहाँ पर मंगाई है, फाइल साथी बोल रहे कि हमने फाइल को देखा है, लेकिन फाइल एफडी में ही है, एफडी से जो है ACS के पास वो फाइल अभी नहीं पहुंची है, क्योंकि पहले वो ACS कुलर जी के पास से फाइल एफडी में आई थी और अब 1-1.5 महीने से वो एफडी में ही फाइल है। तो मेरा साथियों से अनुरोध है कि साथी हमारे कहीं कहते हैं कि फाइल में कुछ नहीं है, इसमें जो है कमेंट हुए हैं और इस पर कोई ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, पहले इस पर फाइल पे जो भी अब तक ऑब्जेक्शन थे, ऑब्जेक्शन या कोई कमेंट था वो क्लियर हुए हैं, क्योंकि यह फाइल जो है 3 पार्ट में डिवाइड थी। जो ओरिजिनल्स जो इसकी फाइल थी वो एफडी में थी, उसके 2 पार्ट जो है एक LAR के पास गए थे लीगल रेफरेंस के लिए और एक चीफ सेक्रेटरी के पास गए थे, और जहाँ जहाँ ऑब्जेक्शन लगा हुआ था पहले चीफ सेक्रेटरी के पास से जो है वो रिमूव होके डायरेक्टर ऑफिस ACS से डायरेक्टर ऑफिस होती हुई गई थी, और फिर डायरेक्टर ऑफिस से ACS के पास जो है वही इसका जो पार्ट है एफडी में पहुँचा है। जो एफडी की फाइल जो एफडी में फाइल जो सर्विस वो ग्रेजुएटी की थी, और इसी तरह इसका जो पार्ट था वो लीगल रेफरेंस के लिए गया था, वो भी ACS से ओत्तवा डायरेक्टर ऑफिस गया था, और डायरेक्टर ऑफिस से जो है फाइल जो है वापिस एफडी में आई। अब इसके तीनों जो पार्ट है, एक ही जो फाइल का पार्ट था मेन फाइल वो एफडी में थी, वो एफडी में है। इस फाइल के ऊपर साथियों का है कि कोई काम नहीं हुआ, इसमें कोई किसी तरह की वो नहीं है, वो गलत है। साथियों, काफ़ी समय से जो है इस फाइल ये जो चल रही है इस पर ये संघर्ष का ही परिणाम है, और ये उन साथियों के संघर्ष का परिणाम है जो दिसंबर 2021-22 में बैठे थे जो अगर सैन चौक पर, जिन्होंने रातें बिताई थी अपनी सर्दी में, उनके जो मेहनत का ही परिणाम है कि आने वाले समय में ये फाइल निकली। और मेरा तो उन साथियों से भी अनुरोध है कि जो साथी अभी एक्टिव हुए हैं,
कि ये पत्र जल्दी जारी होंगे, तो अच्छी बात है कोई भी पत्रों को जारी कराए। लेकिन साथियों से मेरा अनुरोध ये है कि वो एफडी में जहाँ पर अनुरागग्रस्त होगी जी एसीएस है, वहाँ पर थोड़ा अपना संघर्ष करें और वहाँ पर फ़ोन कराएं, या जैसे उनसे मिलें 8-10 साथी जाके, जैसे 2-3 जो यूनियन हैं आप जो पूरी कवर कस रखी है कि हम लेटर जल्दी निकालेंगे और निकलवाएंगे इसको, तो उन साथियों से अनुरोध है कि जून जो है जाने वाली है, 15-16 दिन बीत चुके हैं और साथी मिले थे कि खुद साहब ने कहा है कि जून के अंदर ये लेटर निकल जाएंगे, तो 15 दिन है और फाइल हमारी एफडी में भी असिस्टेंट फोर के पास पड़ी है, उसका आगे भी 1-2 स्टेप है। तो अगर इन फाइलों को जो पत्र आपने जारी कराने हैं तो थोड़ा सा आपको एक्टिव होने पड़ेगा और जहां फाइल है उसको ट्रैक करके वहां से फाइल जो है आगे आपको चलवानी होगी, तभी ये लेटर जो है जारी होगी। एलटीसी और जो मेडिकल है वो डायरेक्टर लेवल का मामला है, वहाँ पर वो फाइलें चल रही हैं, वो फाइलें भी जल्दी निकलें। तो सभी साथी मिलकर प्रयास करें, मेरा फिर आपसे अनुरोध है कि अलग अलग गुटों में ना बट कर एक सभी साथी एक 15-20 जो एक्टिव मेंबर्स हैं, जो एक्टिव साथी हैं वो किसी भी यूनियन से हैं, वो एक अपना ग्रुप बनाए कि एक साझा मंच बनाकर चलें, तो हमारा काम जल्दी हो सकता है। और मेरा साथियों से अनुरोध है कि ये तो हमारा काम जो है काफ़ी समय से चल ही रहा है और जो है ये पत्थर तो जारी होंगे, अब नहीं थोड़ा ठहर के होंगे, लेकिन जो अपनी दूसरी मांगे हैं इनसे अलग जो यूनियन जो करवा सकती हैं उसके लिए प्रयास करो, जैसे अपनी रेगुलर की डिमांड्स हैं। साथियों ने दूसरे जो अपने परमानेंट साथी हैं, देखो साइकिल पर यात्रा कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, सारे हरियाणा में जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के पक्ष में जो है अपना एक प्रचार कर रहे हैं। तो साथी ये ज़रूर मैं अपने साथियों से कहूँगा कि वो भी कोई ना कोई प्रोग्राम जो है जून के महीने में एक रैली वगैरह काया करें या जो भी स्टेप उठाएं, तो वो जून की छुट्टियों में ज़रूर उठाएं। अभी साथी जो है 15-20 दिन हो चुके हैं और साथी धीरे धीरे जो छुट्टियों इधर उधर गए थे वो भी वापस आने लगे हैं, तो जल्दी कोई ना कोई कॉल करके सभी साथी इकट्ठा होके जो है संघर्ष करें। और साथी ये ना घबराएं कि हमारे कुछ रैली करने से या कुछ करने से जो है फाइल रुक जाएगी, ऐसा नहीं है, फाइल अपने तरीके से चल रही है, चलती रहेगी और इससे जो है सरकार पर प्रेशर भी पड़ेगा और जल्दी हमारा जो काम होगा, नहीं तो डिले रुइये के कारण इसी तरह ये भी लेटर निकलते निकलते काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मेरा साथियों से जो है अनुरोध है कि सभी साथी इकट्ठे होकर और एक साझा मंच बनाकर कार्य करें और हमारी जो मांगे माने गई थी उनके पत्र जारी हों और रेगुलर की डिमांड्स जो है वो भी सरकार के सामने रखें। तो मैं इन्हीं अपने शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी साथियों से जो एक्टिव साथी हैं मेरा सभी से अनुरोध है कि वो एक प्रचार का जरिया ना बनकर जल्दी प्रैक्टिकल काम करके और जहाँ जहाँ हमारे लेटर हैं वहाँ पर जो है बार बार मीटिंग करके बार बार मिलकर जो है वो अपने लेटर जल्दी निकलवाने की जो है कोशिश करें और रेगुलर की अपनी डिमांड जो है सरकार के सामने रखें। जय हिंद, जय भारत।